पीछे खींचना जैसे अपना डिप्पा मारते हम लोग ना। कौन बता, ये देखो बता रहा है उधर से आवाज आ रही है कि गेट लॉक नहीं है। तो ये देखो, ये बताए कि ये आपका हेडलैम्प ऑन है, इसको बंद कर लो। ये देखो बंद हो गया। फिर लगता है मुझे रात में, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होता है साइड को, तो वहाँ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि गाड़ी लॉक है। अब देखने इंडिकेटर को देगा तो साइड का वो इंडिकेटर देगा, वहाँ की लाइट जल जाएगी। जला तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, ये बाकी गाड़ियों में नहीं होता था। वो फ़ैन तब भी चलता रहेगा जैसा भी मैं हाथ में चाबी लॉक कर रखी, बट वो फ़ैन फिर भी इसका चलता ही रहेगा जब तक गाड़ी को ठंडी नहीं कर देगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे आप? तो मैं उस टाइम ज़्यादा उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एंड भाई आज अपनी फीगो के कुछ मैं फीचर्स आपको दिखाना चाहता हूँ, जो यूनिक फीचर्स लगते हैं मुझे थोड़े बहुत इसके इस प्राइस रेंज में। बाकी गाड़ी में आते हैं बट उनके वैल्यू रेंज थोड़ी ज़्यादा होती, इस प्राइस वैल्यू में इस गाड़ी में फीचर्स कंपनी ने, फोर्ड कंपनी ने दिए हुए, और वो भी ये बात है कि इस वो फीचर थोड़े लोगों को कम ही पता होंगे। और पहले इससे जो पहले वाले फीगो थे वो भी मेरे पास थी, उसमें भी फीचर्स अच्छे आते थे। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कहूँगा मैं, यहीं से पहले स्टार्ट कर लेता हूँ आगे से ही। तो सबसे पहले बात इसमें आते हैं आपकी ये हेडलाइट, इसमें आता है फॉलो मी हेडलैम्प, जो कि बहुत बढ़िया फीचर लगता है मुझे रात में, क्योंकि मेरा फार्म हाउस है वहाँ पे अंधेरा होता है साइड को, तो वहाँ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि रात को कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऑन कैसे होता है, तो ऑन करना मुझे दिखाना पड़ेगा। तो जैसा भी हम जाएंगे गाड़ी में, गेट बंद किया, चाबी निकाली, एक सेकेंड, उसके लिए मुझे शायद गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक मिनट। ये मैंने हेडलाइट ऑन की, हेडलाइट्स ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ बंद, नहीं वो गाड़ी स्टार्ट हो गई होगी। तो मैंने देखो जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दी है, हेडलाइट्स ऑन है इसकी। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है बंद कर दिया। अब ये देखो, इसको एक बार पीछे खींचना जैसे अपना डिप्पा मारते हम लोग, आवाज आ गई आपको? चाबी निकाल ली मैंने, एंड ये देखो आपकी हेडलाइट्स ऑन है इसकी। ठीक है, तो ये फीचर्स का मुझे बहुत बढ़िया लगता है, 15 से शायद 30 सेकंड ये जलती रहेंगी। एंड देखो बंद होगी अपना भी, ऐसे आपकी टेल लाइट भी चलती है पीछे से, देखो होगी बंद। तो ये इसका मुझे फीचर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से भी बंद हो गई। एंड दूसरे फीचर्स की मैं लोग बात कर लेते हैं, तो ये देखो ये गाड़ी का भी मैंने खोल दी है। ठीक है, और खुलने पे कोई ये लाइट्स ऑन हो जाती है, देखो ये यहाँ पे ये मैंने चलो लाइट लगवाई है, बट इसकी जो पार्किंग लाइट्स ये ऑन हो जाती है, ये ऑटोमेटिक इसमें लाइट्स नहीं आती, बट ये रात और दिनों ये ऑन हो जाती है, आगे भी पीछे भी। तो ये भी मुझे बढ़िया चीज़ लगती है। एंड दूसरी चीज़ इसको देखो, जैसे मैं लॉक करूँगा गाड़ी को, लॉक हो गई, कोई आवाज़ नहीं आई ना, जैसे कोई रात में आता बंदा चाहता है कि ना आवाज़ है तो एक बार क्लियर। और वैसे चीज़ से किसी को पता लगाना हो कि गाड़ी लॉक हुई तो एक और बार, ये दो बार, इधर दो बार हो गया तो आवाज़ आ जाता हॉर्न हेड को। और एक चीज़ और, जैसे अभी देखो खोली, एंड ये देखो ये गेट हल्का सा खुला हुआ है, लॉक नहीं हुआ गेट, तो ये देखो ब्लिंक नहीं की ना, हॉर्न बजा, ये देखो बता रहा है उधर से आवाज़ आ रही है कि गेट लॉक नहीं है, उसको गेट को लॉक करना है, तो ये ब्लिंक नहीं करेंगे। ठीक है, चाहिए ये फीचर आपके डिग्गी पे भी अप्लाई होता है, इसी पे नहीं। ये देखो अब लाइट ब्लिंक की है, तो भी ऑफ हो गया, हॉर्न की आवाज़ आ गई है। ठीक है, एंड एक और फीचर इसमें ये है कि जैसे इसको खोला मैंने गाड़ी को, अभी आप देख सकते हैं अभी मैंने फॉगलो मी हेडलैम्प्स ऑन किए थे, तो ये देखो आवाज़ से टिन 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 टिन, तो ये देखो ये बताए कि ये आपका हेडलैम्प ऑन है, इसको बंद कर लो। ये देखो बंद हो गया, बट आप ये देखो कि जब मैंने गाड़ी बंद की थी तो इसके जो हेडलैम्प्स है बाकी गाड़ियों में जो है हेडलैम्प ऑन हो जाते हैं, कहते हैं ना ऑन हो गए, बट इसमें अगर आप बंद भी नहीं करोगे ना तो भी अपना सेफ्टी फीचर्स है वो बंद हो जाते हैं। ये चीज़ मेरी कैमरे में आता बताओ, जबकि वो कितनी महंगी गाड़ी, ये छोटी सी गाड़ी है, तो ये फीचर इसमें दिया भाई, ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फीचर भी, कि अगर सपोज़ मैं काफ़ी बार भूल जाता हूँ हेडलैम्प ऑन करना, ऐसी गाड़ी से होता है गाड़ी इंजन ऑफ की एम ए निकल जाता अपना। ठीक है, बस एक मुझे फीचर सही नहीं लगा यार इसमें, ये साथ में अगर ये बंद हो जाती तो सही लगता, ये अंदर से मैनुअली बंद होता है, मतलब है मोटर लगी हुई इनमें बट इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, रिमोट के साथ नहीं, बट रिमोट के साथ नहीं होते। और एक फीचर इसमें एक और है, जो कि इस प्राइस रेंज की गाड़ी में मुझे दिखा नहीं था, जैसे स्विफ्ट आई 20 वगैरह है नहीं ये फीचर, जिसे कहते हैं अभी हम ये किया चाबी घुमाई, लाइट ऑन की, हेडलाइट ऑन हो गई,
ये आ गया भाई डिफॉगर वाली हेडलाइट टेल लाइट, जिसमें एक ही चलता है, जैसे एक जल चुकी है, ये देखो नॉर्मल है, एक ही देखो कितना तेज जल रहा है। सर इसको ऑफ करियो, आपको दिखा रहा हूँ, इसको बंद करियो, इसको बटन दबाइए नीचे वाले को, हाँ एक सेकंड दबा, देखो कम हो गई, दबा, ये डिफॉगर ऑन हो गया तेज भाई। ये फीचर्स गाड़ी में मुझे अच्छा लगता है, पोलो में आता है बट बाकी जैसे स्विफ्ट आई 20 इन सब इनमें नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब देखो अभी भी ऑन है तो आवाज़ कर रहा है, इसको कर दिया मैंने बंद, तो मतलब ये सब कुछ फीचर्स इसकी गाड़ी मुझे गाड़ी का अच्छे लगते हैं, जबकि इतनी छोटी सी गाड़ी है और फीचर्स थोड़े बहुत है। बाकी इसमें मैंने यूट्यूब पर देखा था कि लोग यहाँ पर ना गेज वेज इसकी सुई हुई घुमा देते हैं, वो मैं चलो कर नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों से होता नहीं है और मेरे से भी नहीं होता। हाँ अच्छा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें फीचर जैसे है आपका यहाँ पर आप डिफॉगर का बटन दबा देते हो, जैसे यहाँ पे मैक्स का ये वाला डिफॉगिंग का, ये है डिफॉगिंग का, पीछे का आपकी जो है शीशा उस पर समझ लो ओस जम गई, तो इस बटन को आप दबा सकते हो, बट जब ये अपना वो सेट हो जाता है ना कि चलो ओस जम गई है या चली गई है, तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, ये बाकी गाड़ियों में नहीं होता था, इसमें होता है। एंड ये देखो छोटा सा इसमें, ये भी एक सीक्रेट बॉक्स है, ये देखो चाबी रख ली। एक चीज़ में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी, जब ये गाड़ी ओवरहीट हुई थी, स्पेशली चीज़ गर्मी में इसमें आती है, क्या होता है जैसे अपनी गाड़ियों के इस पर सिंगल फ़ैन है तो वो डबल फ़ैन स्पीड पे चलता है, जैसे एक तो अपना कूलिंग करने के लिए जब एसी ऑन करोगे तो एक और स्पीड पे चल जाएगा गाड़ी का। बट इसमें मुझे एक फ़ीचर अच्छा लगा था कि जब गाड़ी बंद कर दो और गर्मी ज़्यादा, गाड़ी ज़्यादा गर्म है, तो भी वो फ़ैन चलता ही रहेगा, इसमें चाबी आपके हाथ में हो जाएगी, आप ऐसे गाड़ी लॉक कर दोगे यूँ, देखा भी गेट खुला हुआ है, देखा भी, देख बता दिया, देख ये देखो अभी खुला हुआ है, तो अब देखो लॉक हुई है। तो मैं ये कह रहा था जैसे गर्मी होगी तो वो फ़ैन तब भी चलता रहेगा, जैसे जैसा भी मैं हाथ में चाबी लॉक कर रखी, बट वो फ़ैन फिर भी इसका चलता ही रहेगा जब तक गाड़ी को ठंडी नहीं कर देगा। इसका देखो बीम लोगों का कितना तेज फैन चल रहा है, तो फ़ैन है इसका। ये जैसे भाई ये हाई एंड गाड़ियाँ हो गई, जैसे बीम लोगों को खड़ी हुई है, तो उनमें ये सब फीचर आते हैं। फोर्ड की शायद एंडेवर में भी आता होगा, इसको इकोस्पोर्ट पर शायद से आता होगा, बट इसमें देखो यार इसका कि ये फीचर किसी गाड़ी में नहीं आया था उस हिसाब से जिस प्राइस रेंज में ये आती है गाड़ी, कि भाई चाबी निकाल ली तब भी इंजन फैन इसका ऑन रहता है जब तक गाड़ी को ठंडा नहीं कर देता। हाँ इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी बैटरी वीक होगी तो शायद वो ये बैटरी खा जाएगा, बट वो फ़ैन उसको गाड़ी को ठंडा कर देगा आपके टाइम से पहले, बहुत तेज़ फ़ैन चलता है इसका। तो ये सब थोड़े बहुत फीचर मुझे इस गाड़ी के अच्छे लगे। हाँ अब कॉर्नरिंग हेडलैम्प नहीं आते यार, i20 में आते, वो मुझे थोड़ा सा खटका, बट चलो कोई बात नहीं, दोनों यार झेलते हैं, कोई बात नहीं। बट बाकी भाई इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी इसका मैं फ़ैन हूँ बिल्कुल, बहुत कड़क गाड़ी है, बहुत सॉलिड गाड़ी है, इंसुलेशन भी इसकी बहुत बढ़िया गाड़ी। तो भाई देखो जैसे मैं आपको बता देता कि इसका इंडिकेटर का फीचर, अब देखो जैसे मैंने गाड़ी लॉक कर रखी है, ये कर दी लॉक मैंने, अब देखो मैं भाई अंदर बैठा हुआ है, गाड़ी लॉक है, अब देखना इंडिकेटर वो देगा तो जिस साइड का वो इंडिकेटर देगा वहाँ की लाइट जल जाएगी, जला देखो उसे दिया जाएगा, उधर का देखो उधर की लाइट जली ना, तो ये और प्लस टेल लाइट भी जलती है और ये भी, ये देखो देखो ये इंडिकेटर का उस साइड का भी, तो अब ये देख लेना, ये फीचर स्कोडा में भी था हमें ये, तो ये चीज़ अच्छी है इसमें। एंड बाकी तो आपको पता ही कि इसका ये है डिग्गी का, दो बार दबाया खुल गई, तो ये तो फीचर है ही इसमें। ये पहले वाली फिगो में भी था ना? हाँ अपनी वाली पहले अपने पास पहले भी थी ना फिगो, उसमें भी था। और एक इसका रिमोट में ये आता कि जैसे दोनों बटन को शायद दबा के रखेंगे तो ऐसी सेटिंग हो जाएगी सेट, कि जब आप इसको एक बार दबाओगे ना तो सिर्फ ड्राइविंग साइड का बटन गेट खुलेगा, अगर इसको आप दो बार दबाओगे तो ही चारों गेट के आपके गेट खुलेंगे। ये होता भाई सेफ्टी फीचर्स के लिए, सपोज अगर आप ना चाहो तो किसी को बैठाना, किसी यार दोस्त को बैठाना, तो आपका एक बटन दबाने पे एक ही गेट खुलेगा, चारों गेट बाद में खुलेंगे जब आप दो बार उसको दबाओगे, ठीक है। ये थे कैमरे में आती ना, कैमरे में तो भाई सेटिंग है प्रॉपर, स्क्रीन में आती है कैमरे में सेटिंग। तो भाई इस वीडियो को मैं ये एंड करता हूँ, ये थे थोड़े बहुत इसके सेफ्टी फीचर्स कह लो, यूनिक फीचर्स जो कि मैंने आपको बता दी, तो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी इसकी एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि एसी माइलेज होगी फुल टैंक करने के बाद, आधा घंटा एक घंटा 45 मिनट इसको चला के रखूँगा विद एसी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना कर दिखाऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को भाई, एंड थोड़ा सपोर्ट करो यार, मोनेटाइज करवाना चैनल को, ठीक है। ओके बाय बाय।